पिछले एक साल से ना मैं एक सुपर अट्रैक्टिव स्कीम में पैसे डाल रही थी। सोचा मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ तो जब मेरी बारी आई फंड उठाने की तो स्कीम चलाने वाले गायब। तू ये अट्रैक्टिव स्कीम्स का चक्कर छोड़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केट क्रॉस के बारे में मोहित ने तो आपसे पूछ लिया, पर मैं मोहित से भी जानना चाहूंगी कि जब हम बात कर रहे थे प्री शो में, तो यू प्रिडिक्टेड दैट हर रोल इन द पावर प्ले विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि पावर प्ले में केट क्रॉस भी थी, वहां पे दीप्ति शर्मा भी आई और पावर प्ले पूरी तरह से वेलोसिटी के खाते में था। उनका जो ये डिसीजन था बॉलिंग फर्स्ट का, दोनों ने ही, दीप्ति शर्मा और केट क्रॉस ने सही टीम के लिए वो डिसीजन को निभाया। हाँ बिल्कुल, मैच से पहले हमको लग रहा था कि शायद ये सही निर्णय ना हो पहले गेंदबाजी करने का, बट अल्टीमेटली दीप्ति खुद एक गेंदबाज है, मतलब ऑलराउंडर है, पर गेंदबाजी ज़्यादा बेहतर करती है, तो उन्होंने शायद कुछ देखा होगा कंडीशंस में या पिच में जिससे उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। और मुझे लगता है हमको काफ़ी सराहना दीप्ति शर्मा की भी करनी चाहिए। पहला मैच था उनका एज कैप्टन और ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस उन्होंने काफ़ी सटीक लिए, बहुत ही अच्छी तरह से अपने बॉलिंग को मिक्स एंड मैच किया, क्योंकि जब आपके पास छः इतने अच्छे गेंदबाज हो, जैसे हम बोल रहे थे किरण नवगिरे भी है, उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट जो छः मेन बॉलर्स है उनको जिस तरीके से रोटेट किया, जैसे आकांक्षा ने बताया जिस टाइप का फील्ड सेटिंग वगैरह था बहुत ही अच्छा था, जैसे हर बैट्समैन के जो कमजोरी है या ताकत है उनको ध्यान में रखकर फील्ड सेटिंग की हुई थी। जैसे जो भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स है उनके बारे में काफ़ी जानकारी है, दीप्ति को, स्नेह राणा को, यास्तिका भाटिया ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है एज विकेट कीपर, हमने काफ़ी सुना उनको स्टंप माइक पे, जैसे जब तान्या भाटिया बल्लेबाजी कर रही थी तो उन्होंने शफाली से बोला थोड़ा अंदर खड़ी रह सकती है, जब हरमन है तो बाउंड्री पे खड़े होना है, तो ये सब विकेट कीपर का भी रोल काफ़ी क्रूशल होता है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो कभी कभी काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। महारती जी, फैंटेसी अखाड़ा में विदेश जाने का भी चांस है। अब सुनो, आपको जाने देंगे, इतना सिखा दीजिए कि हम फॉरेन कैसे जाएंगे। फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।